गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 3, द गर्ल हु न्यू एवरीथिंग। एक ऐसी लड़की जिसको सब कुछ पता था। नाउ मूव टू द अदर पेज। मतिल्डा वॉर्मवुड इज ओनली 5.5 ईयर्स ओल्ड। मतिल्डा वॉर्मवुड एक छोटी सी 5 साल की बच्ची थी, बट शी हैज ऑलरेडी रीड ऑल द बुक्स इन द लोकल लाइब्रेरी। लेकिन वो पहले ही सारी बुक्स पढ़ चुकी थी जो कि लोकल लाइब्रेरी में थी। ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल के पहले ही दिन मतिल्डास टीचर जेनिफर हनी इज अमेज्ड टू सी हाउ द लिटिल गर्ल कैन एड अप अ बिग नंबर फास्टर देन अ कंप्यूटर। मतिल्डा की स्कूल के पहले ही दिन मतिल्डा की जो टीचर थी जेनिफर हनी, वो देखकर हैरान हो गई कि एक छोटी सी लड़की इतना बड़ा नंबर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज जल्दी जोड़कर दिखा रही है। शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट अबाउट द गर्ल, मोर अबाउट द गर्ल। वो उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। बट मतिल्डा हैज सरप्राइज फॉर मिस हनी। लेकिन मतिल्डा के पास मिस हनी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़िए एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज, कि वो क्या सरप्राइज था। एट दिस पॉइंट मिस हनी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग स्टिल फर्दर द माइंड ऑफ एस्टोनिशिंग चाइल्ड। इस समय मिस हनी उस अजीबोगरीब बच्ची के बारे में जानने से अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। रेजिस्टर टेम्पटेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग मीन्स अपने आप को ना रोक पाना किसी चीज के बारे में जानने से। एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग। शी न्यू दैट शी ऑट टू बी पेइंग सम अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। वो उन्हें ये पता था बहुत अच्छे से कि क्लास में अदर स्टूडेंट भी है और उन्हें सभी बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए था। बट शी वॉज ऑल टूगेदर टू एक्साइटेड टू लेट द मैटर रेस्ट। लेकिन बाकी सभी बच्चे भी मतिल्डा के बारे में जानना चाहते थे। वेल शी सेट प्रिटेंडिंग टू एड्रेस द होल क्लास। उन्होंने ऐसा बहाना किया, प्रिटेंडिंग मीन्स बहाना किया, एक्सक्यूज किया कि अपनी, जैसे उन्होंने पूरी क्लास को एड्रेस किया, जैसे टीचर बोलती ही है नॉर्मली, जस्ट गाइज लिसन मी एंड लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। तो मिस जेनिफर ने भी कुछ ऐसा ही बोला क्लास को एड्रेस करने के लिए, लेट अस लीव द सम्स, कुछ समय के लिए सवालों को छोड़ देते हैं फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। But and she, if any of you have begin to learn to spell, और आइए देखते हैं आप में से कितने जने हैं जो स्पेलिंग बना सकते हैं यानी कर सकते हैं। Hands up anyone who can spell cat। हाथ खड़ा कीजिए, कौन है आप में से जो cat की स्पेलिंग को बताएगा। 3 hands went up। 3 हाथ खड़े हुए। They blinked to lavender। A small boy named Nika and the Matilda। Lavender means, it means group। ये क्लास में जो आप लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे रेड हाउस, येलो हाउस, ऑरेंज हाउस, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे नेहरू हाउस, आजाद हाउस, पटेल हाउस, तो इसी तरीके से उनकी क्लासेस के ग्रुप में से एक ग्रुप था लैवेंडर ग्रुप। तो लैवेंडर ग्रुप से 3 हाथ खड़े हुए, एक नीगल और दूसरा मतिल्डा। स्पेल कैट नीगल, मैम ने नीगल को कहा, नीगल स्पेल कीजिए कैट को। नीगल ने स्पेल करके सुना दिया। मिस हनी नाउ डिसाइडेड टू आस्क सम क्वेश्चन। नॉर्मली मिस हनी ने अब कुछ और क्वेश्चन पूछने के लिए सोचा। शी वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ आस्किंग द क्लास ऑन इट्स फर्स्ट डे। उन्होंने नहीं सोचा था कि क्लास के पहले ही दिन यानी स्कूल के पहले ही दिन वो ऐसा कुछ उन्हें आश्चर्य मिलेगा। आई वंडर, मैं हैरान थी। शी सेड, उन्होंने कहा, वेदर एनी ऑफ यू टू नो हाउ द स्पेल कैट। तुम दोनों कैसे जानते हो कि इतनी बड़ी स्पेलिंग तुमने कैसे की, जबकि वो बच्चे केवल 5 साल के थे। हैव लर्न हाउ टू रीड हाउ होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेन दे स्ट्रंग टूगेदर इन अ सेंटेंस। कैसे सीखा आप लोगों ने वर्ड्स को एक सेंटेंस में पढ़ना। आई हैव, नीगल सेड। नीगल ने कहा, मैं जानता हूँ। सो हैव आई, लेवेंडर सेड। तो नीगल ने कहा, तो क्या मैं पढ़ के सुनाऊ मैम। मिस हनी वेंट बैक टू द ब्लैक बोर्ड। मिस हनी ब्लैक बोर्ड के पास वापस गई एंड ड्रॉट विद हर व्हाइट चॉक, अपनी व्हाइट चॉक से एक सेंटेंस लिखा। आई हैव ऑलरेडी बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड लॉन्ग सेंटेंस। ये वो लाइन थी जो मैम ने बोर्ड पर लिखी थी। शी हैड पर्पसली मेड इट डिफिकल्ट। उन्होंने जानबूझकर ये मुश्किल लाइन लिखी। एंड शी न्यू दैट देयर वर प्रीशियस फ्यू 5 ईयर्स ओल्ड अराउंड हु वुड बी एबल टू मैनेज इन। वो जानती थी कि 5 साल के बच्चे इनमें से कुछ ही हैं जो इसको मैनेज कर सकते हैं यानी जो इसे रीड कर सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट दैट सेज नीगल। क्या तुम मुझे बताओगे, शी आस्क, मैम ने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे नीगल कि इसका क्या मीनिंग है। That's too hard, Nigel said. Lavender, मैम ने कहा, निगल ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है मैम। लैवेंडर, मैम ने लैवेंडर ग्रुप को एड्रेस किया कि लैवेंडर ग्रुप से कोई और बताना चाहेगा। द फर्स्ट वर्ड इज आई। तो पहला वर्ड क्या निकला, आई, मैं, लैवेंडर सेड। लैवेंडर ग्रुप से एक आवाज आई, मैम मैं बताऊंगी।
कैन एनी ऑफ यू रीड द होल सेंटेंस, क्या तुम पूरा सेंटेंस पढ़ पाओगी, मिस हनी आस्क्ड। मिस हनी ने पूछा। वेटिंग फॉर द यस, और उनकी हाँ का इंतजार करने लगी। एंड फेल सर्टेन वॉज गोइंग टू कम मतिल्दा, और निश्चित रूप से ये जवाब मतिल्दा के पास से हाँ में ही आया। यस मतिल्दा सेड, मतिल्दा ने कहा हाँ। गो अहेड मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा चलो पढ़कर सुनाओ। मतिल्दा रीड सेंटेंस, मतिल्दा ने रीड सेंटेंस रीड करना शुरू किया विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। एट ऑल एट द रियली इज वेरी गुड इन डीड, सचमुच बहुत ही बढ़िया था, मिस हनी ने कहा। बहुत बढ़िया सुनाया आपने, मेकिंग द अंडरस्टैंड फॉर हर लाइफ, मतलब वो उसको अप्रिशिएट करने से रोक ही नहीं पा रही थी अपने आप को। और उसके बाद उन्होंने कहा हाउ मच कैन यू रीड मतिल्दा, और कितना पढ़ सकती हो तुम। आई थिंक आई कैन रीड मोस्ट थिंग मिस हनी, मतिल्दा सेट, मतिल्दा ने कहा मैं इससे भी ज्यादा पढ़ सकती हूँ मैम। ऑल दो आई एम अफ्रेड, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। आई कॉन ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि मैं हमेशा इन चीजों का मीनिंग नहीं समझ पाती हूँ। मिस हनी गॉट टू हर फीट ऑन वॉक्ड स्मार्टली आउट ऑफ द रूम, मिस हनी स्मार्टली मूव करते हुए क्लास से बाहर निकली। एंड बट वॉज बैक इन 30 seconds कैरिंग अ थिक बुक, और वापिस आई 30 seconds में एक मोटी सी किताब के साथ। शी ओपन इट रैंडम, उन्होंने इसको ऐसे ही बीच में से कहीं से भी खोली, एट रैंडम मतलब बिना सोचे समझे ओपन कर लेना। एंड प्लेस्ड इट मतिल्दास डेस्क, और उसको मतिल्दा की डेस्क पर रख दिया। देयर इज अ बुक ऑफ हार्मलेस पोइट्री शी सेड, उन्होंने कहा ये एक हार्मलेस पोइट्री यानी हार्मलेस मींस फनी, फनी पोएम्स की बुक है। सी देखो जरा इफ यू कैन रीड दैट वन अलाउड, क्या तुम इनमें से कोई एक जोर से पढ़कर सुना सकती हो। Smoothly, without a pause, at a nice speed, Matilda began to read. बहुत ही आराम के साथ में, बिना रुके, बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ मतिल्दा ने पढ़ना शुरू किया। An epicure dining at Crewe found a rather large mouse in its view. Cried the waiter, "Don't shout and wave it about, or the rest will be wanting one too." ये वो पैराग्राफ था जो कि मतिल्दा ने रीड किया था। Several children saw the funny side of the rhyme of and laughed. कुछ बच्चे इस पोयम को फनी साइड यानी मजाकिया तौर पर ले रहे थे और हंस रहे थे। मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा डू यू नो व्हाट एन एपिक्योर इज मतिल्दा, मतिल्दा क्या तुम्हें पता है कि एपिक्योर का मीनिंग क्या है। इट इज समवन हु डेंटी विद हिज ईटिंग, मतिल्दा सेड, तो मतिल्दा ने कहा कि डेंटी विद हिज ईटिंग मीन्स फाउंड ऑफ गुड फूड, यानी जिसको अधिक खाने का शौक हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। That is correct, बिल्कुल ठीक, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा। एंड डू यू हैपन टू नो वट इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड, क्या तुम बता सकती हो ये किस तरीके की पोयम है, यानी इस पोयम का क्या टाइप है, इस पोयम को हम क्या कहते हैं। इट इज कॉल्ड लाइमब्रिक, मतिल्दा सेड, मतिल्दा ने जवाब दिया कि ये एक लाइमब्रिक है, दैट इज लवली वन, जो बहुत ही प्यारी है। इट इज सो फनी, बहुत ही मजाकिया है। इट इज फेमस वन, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, यानी बहुत ही फेमस कविता है। पिकिंग अप द बुक एंड रिटर्निंग टू हर टेबल, उन्होंने अपनी बुक उठाई और वापस अपने टेबल पर रख दी इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जो कि क्लास के सामने रखा हुआ था। अ विटी लाइमब्रिक इज वेरी हार्ड टू राइट, शी एडिड, और उन्होंने साथ में ये भी कहा वैसे एक लाइमब्रिक लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। दे लुक इजी, वो आसान तो दिखती है बट मोर सर्टेनली आर नॉट, लेकिन असल में होती नहीं है, मतलब दिखती आसान है लेकिन उनको लिखना आसान नहीं होता। आई नो, मैं जानती हूँ, मतिल्दा सेड, मतिल्दा ने कहा मैम मुझे पता है। आई हैव ट्राइड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स बट माइन आर नेवर एनी गुड, मैंने काफी बार लिखने की कोशिश की लेकिन वो अच्छी नहीं लिखी गई। हैव यू, यू हैव यू, तुमने लिखी, क्या तुमने लिखने की कोशिश की, मिस हनी सेड, मिस हनी ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के कहा। तुमने लिखी, मोर स्टार्टल देन एवर, अब वो पहले से ज्यादा हैरान थी, पहले से ज्यादा जो है अमेज थी। वेल मतिल्दा आई वुड वेरी मच लाइक टू हियर वन ऑफ दिस लाइमब्रिक, वेल मतिल्दा जो भी तुमने लिखा है मैं उसमें से एक लाइमब्रिक जरूर सुनना चाहूंगी। यू से यू हैव रिटन, जो कि तुमने लिखी है, कुड यू ट्राई टू रिमेम्बर वन फॉर अस, क्या तुम उनमें से कोई एक मेरे लिए याद करके सुना सकती हो। वेल मतिल्दा सेड हेजिटेटिंग, मतिल्दा को थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। आई हैव एक्चुअली बीन ट्राइंग टू मेक अप वन अबाउट यू मिस हनी, एक्चुअली मैंने वो जो पोयम लिखी थी, मतिल्दा ने कहा एक्चुअली मैम मैंने जो आपको पोयम लिखी थी वो मैंने आपके आपके ऊपर ही लिखी थी। वाइल वी हैव बीन सिटिंग हियर, जब मैं यहाँ बैठी हुई थी। अबाउट मी, मेरे बारे में, मिस हनी क्राइड, मिस हनी चिल्लाई। वेल वी हैव सर्टेनली गॉट टू हर्ट दैट वन, हैव नॉट वी। वेल, वेल का मतलब हम नॉर्मली कह देते हैं चलो अच्छा ऐसे जैसे बोल देते हैं। वेल वी हैव सर्टेनली गॉट टू हियर, हम तो जरूर सुनना चाहेंगे।
आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू से इट मिस हनी, लेकिन मैं सोचती हूँ मिस हनी मुझे वो नहीं सुनानी चाहिए, प्लीज टेल इट, मिस हनी सेड। मिस हनी ने कहा कि प्लीज मेरे लिए सुना दो, आई प्रोमिस आई वुड नॉट माइंड, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मारूंगी। आई थिंक यू विल, बट मुझे लगता है मिस हनी, बस मुझे लगता है कि आप बुरा मान जाओगी, बिकॉज आई हैव टू यूज योर फर्स्ट नेम टू मेक थिंग्स राइम दैट दे वाई आई डोंट वॉन्ट टू से इट, क्योंकि मैंने उस पोएम को बनाने के लिए आपके नाम का पहला, आपका जो फर्स्ट नेम है मैंने वो यूज किया है। हाउ डू यू नो माई फर्स्ट नेम, कैसे जानती हो तुम मेरा पहला नाम, मिस हनी ने पूछा। आई हर्ड अनदर टीचर कॉलिंग यू बाई इट जस्ट बिफोर वी कैम एंड मतिल्दा सेड शी आस्क यू जेनी, मतिल्दा ने कहा जब मैं आज सुबह आ रही थी तब आपके जो अनदर टीचर है वो आपको आपके पहले नाम से पुकार रहे थे, शी कॉल्ड यू जेनी, वो आपको जेनी कहकर पुकार रहे थे। आई इंसिस्ट अपॉन हियरिंग द लाइम ब्रेक, मैंने और जोर दिया लाइम ब्रेक को सुनाने के लिए, मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा। स्माइलिंग वन ऑफ हर रेयर स्माइल्स स्टैंड अप एंड रिसाइटेड, उसने एक कहते हैं रेयर मतलब ऑफन, एक ऑफनली सी स्माइल अपने चेहरे पर दी और रिसाइट करना शुरू किया। रिसाइट मींस टू सिंग द पोयम। रेल्यूकेंटली मतिल्दा, रेल्यूकेंटली मींस नर्वस होना। मतिल्दा स्टूड अप अ वेरी स्लोली एंड वेरी नर्वसली ही रिसाइटेड राइमिंग, मतिल्दा खड़ी हुई धीरे से और बहुत ही घबराहट के साथ में उसने अपनी पोयम को रिसाइट करना शुरू किया। ये वो पोयम थी जो उसने रिसाइट की। द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी इज श्योरली देयर कैन नॉट बी मैनी यंग गर्ल्स इन द प्लेस विद सो लवली अ फेस, द आंसर दैट्स नॉट एनी। तो ये था हमारा वो पैराग्राफ जो पोयम उसने लिखी थी, और ये है मिस जेनिफर का फर्स्ट नेम। द होल ऑफ मिस हनीज पेल एंड प्लीजन, मिस हनी का जो चेहरा था वो शर्मा करके थोड़ा ब्लश हो गया, यानी पिंकिश आ गया, ब्लश्ड अ ब्रिलियंट स्कारलेट, मतलब ब्लश एंड ब्रिलियंट मतलब शाइनेस, उनके चेहरे पर एक शाइनेस थी यानी कि शर्माहट थी। एंड अगेन शी स्माइल, और वो दोबारा से मुस्कुराई। इट वॉज अ मच ब्रॉडर दैन दिस टाइम, ये पहले वाली मुस्कुराहट से जरा थोड़ी ज्यादा थी। A smile of pure pleasure, जिसे पता लग रहा था कि मिस जेनी खुश थी, मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आया था। सो ये जो पोयम जो लिखी गई है ये रॉयल ढाल के द्वारा लिखी गई है, ये पोयम रॉयल ढाल के द्वारा लिखी गई है। द राइटर नेम इज रॉयल ढाल। थैंक यू।